नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ बिहार। मैं हूं ओम प्रकाश। अभी इस वक्त हम जो है फारबिसगंज हवाई फील्ड में आए हुए हैं और देख सकते हैं पीछे तैयारी चल रही है। यह तैयारी जो है मोदी जी के आने की तैयारी चल रही है। 26 अप्रैल को जो है मोदी जी यहां पे आने वाले हैं, इसको लेकर के जो है यहां पे जो है सभी चीज़ की तैयारी की जा रही है। और यहाँ की पदाधिकारी जो भी अधिकारी सभी लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए किस प्रकार की तैयारी किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे देखने के लिए। आइए उन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार जो है लगा करके लगभग 4 से 5वां बार मोदी जी के आने की तैयारी हो रही है और किस तरह से तैयारी की जा रही है। आइए यहाँ के ग्रामीणों से भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं फील्ड पे देखने के लिए कि किस तरह की तैयारी हो रही है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार साहब। क्या चीज़ देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ? नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं 26 तारीख को, यही देखने के लिए। किस तरह का तैयारी की जा रही है? अच्छी तरीके से। कहाँ घर हुआ आपका? क्या उम्मीद? मेरा घर तो चैनपुर हुआ, भोरत चैनपुर। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आ रहे, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो है सर आएगा। क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से, पांचवी बार फारबिसगंज आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से हमारी यही उम्मीद रहेगी कि कोसी का ये क्षेत्र फारबिसगंज एक बहुत बड़ी मंडी है और इस मंडी के क्षेत्र को डेवलप करने की ज़रूरत है। और सीमांचल का एक बहुत बड़ा आबादी जो है स्वास्थ्य से मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, उसको जोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ एम्स या फिर बिहार सरकार के द्वारा कोई ऐसी उच्च संस्थान का निर्माण हो जिससे यहाँ के लोग और अगल बगल के सीमांचल के जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का लाभ ले सके। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि दरभंगा के बाद एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ा ज़मीन यदि है तो फारबिसगंज में है, जहां पर मोदी जी रैली करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर एयरपोर्ट की ज़रूरत है और यहां पर एयरपोर्ट के निर्माण करने से फारबिसगंज नहीं अररिया जिला का सर्वांगीण विकास होगा। बहुत अच्छा है,